वही पिता की डंडे से पीटकर हत्या करने वाला हेमलाल सोरी जिला और सत्र न्यायालय धमतरी में आजीवन कारावास की सजा मिलते ही पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस उसे ढूंढ रही है। आपको बता दें 24 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी उषा गेंदले ने अपने पिता की हत्या के मामले में हेमलाल सोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शाम को पुलिस ने उसे न्यायालय से जेल ले जाने वाली थी। इससे पहले ही वह पुलिस को चकमा देकर न्यायालय से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट।